कुरुक्षेत्र के एक निजी स्कूल के बस चालक की लापरवाही के चलते चलती बस से 5 वर्षीय बच्चे के गिरने और उसके बाद उस पर पिछला टायर चढ़ने की सीसीटीवी में कैद वीडियो के सुर्खियों में आने के बाद शहर के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले अभिभावकों में रोष देखने को मिल रहा है। बच्चे के हाथ पांव और कूल्हे में फ्रैक्चर है और इस घटना का शिकार हुई नन्ही बच्ची सीरत कौर फिलहाल कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज इस नन्ही बच्ची सीरत कौर और उनके परिवार से मिलने के लिए शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराणा और जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह मक्कड़ अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात की, बातचीत की और स्कूल प्रशासन की कार्यशैली को लेकर गहरा रोष प्रकट किया। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने हेतु कल पुलिस अधीक्षक से मिलने की बात भी कही। गौरतलब है कि उक्त घटना का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 90 सेकंड के इस वीडियो में तेज रफ्तार से चल रही स्कूल बस में सबसे पहले बच्ची गिरती है, फिर केयर टेकर, लेकिन ड्राइवर महोदय की सेहत पर कोई असर नहीं होता। 45 सेकंड तक जनाब बस से नीचे उतरने की जहमत नहीं करते। वहीं पीड़ित लड़की की माता ने आरोप लगाया कि दरवाजा खुल गया और उनकी बेटी नीचे गिर गई। टांग, बाजू व कूल्हे पर फ्रैक्चर है। वहीं उसके पिता का कहना है कि ना तो स्कूल प्रबंधन ने कोई सुध ली, ना ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच अधिकारी मलकीत सिंह के अनुसार 14 जुलाई को सूचना मिली थी, तब बच्ची अनफिट थी, अब बयान हो गए हैं, जल्द ही मामला दर्ज हो जाएगा। सर देखो किन्ने दुख की गल है कि छोटी जी बच्ची फर्स्ट क्लास पढ़ती सीरत कौर असी कल परसों सोशल मीडिया तो सानू जदों इस चीज का पता लगा तो मैं बाहर सीगा ते परिवार दे नाल संपर्क होया ते बड़े दुख नाल कहा जांदा है चलो गलती होगी असी आने भी वैन दे उत्तों वैन उत्तों लंघ गई गलती होगी असी आने भी गलती होगी लेकिन प्रशासन का ना तो कोई प्रशासन वालों आया ना स्कूल वालों कोई आया बड़े दुख की गल है बच्ची का पता लैण वास्ते भी कोई नहीं आया इन्नी ज्यादा वीडियो आप जी क्षेत्र मीडिया दे राही वायरल हो चुकी है लेकिन बेटी का कोई हाल नहीं फ्रैक्चर हो गया उत्तों पहिया लंघ गया ये किस्मत चंगी बिटिया की कि अज जिंदे जिंदा इहदी किस्मत चंगी है कि असी कल SP साहब नूं मैडम नूं मिल के स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करवावांगे असी क्योंकि स्कूल अजे तक बच्चे का पता लैण वास्ते नहीं है आया तुहाडे कोल प्रशासन स्कूल कोई भी बच्चे का पता लैण भी नहीं आया असी अपने बच्चे उन्हां दे हत्थां दे विच साडा पहला कारण हुंदा वी सेफ्टी होनी चाहिए साडे बच्चे की उहदे उत्तों वैन लंघ गई है ते प्रिंसीपल ते रोज उन्हां नूं प्रिंसीपल दा स्टाफ दा फर्ज बनदा सी कि रोज अपने बच्चे असी आने भी साडे बच्चे नहीं उत्थे स्कूल दे विच तुहाडे बच्चे ने लेकिन उन्होंने अपने बच्चे नहीं समझे एक व्यापार बना लिया शिक्षण जो संस्थान ने इन्होंने अपना विद्यालय अपना एक व्यापार बना लिया पैसा कमाने का साधन बना लिया आज बड़े दुख नाल कहना पै रहा है कि कोई भी कार्रवाई अजे तक नहीं हुई असी कल पुलिस कार्रवाई भी करावांगे ते उस स्कूल के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करांगे ते दूजे पेरेंट्स नूं जागृत भी करांगे कि स्कूल दे विच अपने बच्चे तुहाडे सेफ नहीं हैगे इन्हां दे खिलाफ साडा साथ दिओ असी डट के इन्हां दा विरोध करांगे।